दोस्तों, ये है RF रिमोट और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो RF रिसीवर होता है उसमें किस तरह से हम विभिन्न प्रकार के रिमोट को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलग अलग ऑपरेशन को आउटपुट में ले सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो में काफ़ी रिस्पांस मिला था, उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आई बटन पे ये लिंक दे देता हूँ, आप देख लेना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये जो 315 मेगाहर्ट्ज़ का RF रिसीवर है, इस रिसीवर के अंदर जो 433 मेगाहर्ट्ज़ का रिमोट होता है वो वर्क नहीं करता है, इसमें ओनली 315 मेगाहर्ट्ज़ का रिमोट ही वर्क करता है। तो इस रिमोट को इसमें कनेक्ट करने के लिए हमें जो पिछले वीडियो है उसमें बताया था, लेकिन जो दूसरा रिमोट 433 मेगाहर्ट्ज़ का है, जो कि ये वाला है, ये रिमोट इससे कनेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पूरा वीडियो आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस जो 433 मेगाहर्ट्ज़ का जो रिसीवर होता है ये इसमें वर्क करता है और ये रिमोट इसके साथ ही वर्क करेगा। तो हमारे पास जो रिसीवर है, इस रिसीवर में जो रिले मॉड्यूल हमारा वो लगे हुए नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से रिले मॉड्यूल का उपयोग करना होगा। अब मेरे पास पुराना वाला जो रिसीवर पड़ा है, उस रिसीवर को मैं अपडेट करना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार से है। इसमें दो रिले मॉड्यूल लगे हैं और इसी में मैं इस 433 मेगाहर्ट्ज़ के जो फ्रीक्वेंसी वाला रिसीवर है वो मैं 315 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से कनेक्शन करना है। ये जो कनेक्शन है इसमें माइनस और प्लस दो सप्लाई के वायर हो गए और D0 D1 ये जो आउटपुट है, तो दो चैनल का रिसीवर है, इसलिए मैं दो चैनल के लिए आउटपुट में लेने वाला हूँ। इस तरह से मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इस रिसीवर में ये जो रिले मॉड्यूल है, इस रिले मॉड्यूल के अंदर दो इनपुट है जो कि रिले मॉड्यूल को ट्रिगर करेंगे। इसके लिए दो रेजिस्टेंस है, इसमें इस तरह से दोनों ट्रिगर पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है उस पर वायर कनेक्ट कर लेना है। उस वायर को कनेक्ट करने के बाद में अब ये वायर जो भी सिग्नल आएगा D1 और D2, तो उस सिग्नल को रिले मॉड्यूल में पहुंचेगा जो कि ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे ही आउटपुट में ट्रिगर आएगा तो ये रिले और जो दो रिले लगे हैं ये ऑपरेट होंगे और इस रिले के थ्रू हम कोई भी लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ LED कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसमें LED की जगह AC लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से जो 433 मेगाहर्ट्ज़ का रिमोट है वो इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो गया है और वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से अपडेट करने के लिए और अपडेट पाने के लिए और कुछ न कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल CBTonus को सब्सक्राइब करना दोस्तों और लाइक जरूर करना। आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हो मेरे, लेकिन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।